जैसा कि आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक सैलरी सर्टिफिकेट को बनाया है। आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सैलरी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं और साथ में आप जानेंगे सैलरी सर्टिफिकेट में मैटर क्या टाइप करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अब सैलरी सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लेने के बाद पेज लेआउट के अंदर करना है और यहाँ पर साइज पे क्लिक करके हम मोर पेपर साइज पे चलेंगे, मार्जिन पे क्लिक करेंगे, इसकी टॉप की जो मार्जिन आप देख सकते हैं वन टाइप करेंगे और ओके करते हैं। सबसे पहले हमें लेटर हेड रेडी करना है, जिस भी कंपनी में हम जॉब करते हों या जिसके लिए भी आप सैलरी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी के जीएसटी नंबर, नाम और एड्रेस को हम टाइप करना है। तो मान ली मैं यहाँ पर लिखता हूँ GSTIN नंबर AWPT1002। ओके, इसको हम सभी को कैपिटल लेटर में कर लेते हैं। अगर बाय चांस आप स्मॉल में लिख दें तो आप यहाँ से इसको केस चेंज करके सभी को कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करना है। अब हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं जिस कंपनी के लिए हम बना रहे हैं, तो आयुष ट्रेडिंग कंपनी, एंटर की प्रेस करते हैं और आयुष ट्रेडिंग कंपनी की जो एड्रेस है हम यहाँ पर एड्रेस को टाइप करते हैं, जैसे कि प्लॉट नंबर A115। जीएसटी नंबर, कंपनी के नाम और एड्रेस लिखने के बाद अब हमें ये जो देखेंगे दोनों आयुष और एड्रेस को, इसे हम कर लेते हैं सेंटर में। सेंटर में करने के बाद ये ऊपर को सिलेक्शन करके, यानी कि हम इन तीनों को सिलेक्शन करेंगे और इसे बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद इसकी जो कलर आप देख सकते हैं, हम यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं जो कलर हमें अच्छा लगे। तो मान लीजिए मैं इस वाले कलर को ले लेता हूँ। अब लेने के बाद हमारे पास जो आयुष ट्रेडिंग कंपनी है इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ, इसी कलर में यहाँ से रेड चूज करूँगा और कलर रेड करने के बाद इसकी फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, अभी आप देखेंगे जीएसटी नंबर और प्लॉट नंबर के बीच में ये जो लाइन स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, तो कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करना है। इसकी लाइन स्पेसिंग को भी हम इस प्रकार से रिमूव करके कम कर लेते हैं। ओके, अब थोड़ी से अच्छा बनाने के लिए इसके बीच में एक हम शेप को डिजाइन कर देंगे जिससे कि लाइनिंग हो। शेप के लिए आप इंसर्ट पर चलेंगे और यहाँ से शेप पर क्लिक करते हैं, एक लाइन वाले शेप को सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके इसको कुछ इस प्रकार से आप शेप को बना देंगे और इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। इस शेप को हम यहाँ पर ले लिए। अब इस शेप की थोड़ी सी मोटाई हम यहाँ पर चलकर इसको मोटा कर देते हैं और शेप की कलर को भी हम कुछ इस प्रकार से फिल करते हैं। एक शेप बन गया है तो इसके बाद दोबारा एक और शेप को रेडी करना है। सिंपल सा इसको भी आपको शिफ्ट की प्रेस करके लाइन वाले शेप को क्रिएट करना है और इसके पास में चलेंगे। अब इसकी भी जो कलर है, इसकी कलर हम अपनी आवश्यकता अनुसार रख लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसकी कलर ले लेता हूँ और इसकी जो मोटाई भी हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने एक लेटर हेड को रेडी कर लिया है। जब लेटर हेड रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पर अब जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर मैटर लिखने की ऑप्शन मिल जाती है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिकेट, क्लिक करके इसको हम सेंटर में लेते हैं। सेंटर में लेने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अलाइन है, हम लेफ्ट में ले लेते हैं और फिर टाइप करते हैं जैसे कि दिस इज टू डेट। अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है, मिस्टर जिनके लिए भी आप सैलरी सर्टिफिकेट को डिजाइन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर डालना है, फिर फादर नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है और फादर नेम के बाद हमें यहाँ पर टाइप कर देना है इनकी एड्रेस, तो हम एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। एड्रेस लिखने बाद हम यहाँ पर देते हैं इज वर्किंग विद अस, कब से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंस डाल देते हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2018। ठीक है, एज कौन से पोस्ट पर कर रहे हैं, तो ऑफिस
हम असिस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर, और एज पर आवर रिकॉर्ड यानी कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से ये मोहन सिंह काम कर रहे हैं 1/1/2018 से ऑफिस असिस्टेंट के पद पर। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं आवर रिकॉर्ड्स, फिर हिज सैलरी स्ट्रक्चर फॉर लास्ट 6 मंथ की हम यहाँ पर सैलरी डिस्प्ले करेंगे, तो 6 मंथ्स इज गिवन बिलो, और फिर से हम यहाँ लिख देते हैं जैसे कि हम चाहते हैं हमारी जो सैलरी स्लिप है यानी सैलरी सर्टिफिकेट है ये सिर्फ लोन के पर्पज के लिए यूज हो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ली दिस एनी बैंक। अब इसको थोड़ी सा अच्छा सा बना लेते हैं, हम सैलरी सर्टिफिकेट को सिलेक्शन करेंगे, इसको बोल्ड करते हैं और इसकी फॉन्ट साइज को ग्रो करते हैं, इसके नीचे हम अंडरलाइनिंग दे देते हैं, यहाँ से हमने जो टाइप किया है इसको सिलेक्शन करके इसकी फॉन्ट साइज को हम ग्रो करते हैं, और इसके बीच में थोड़ी सी हम लाइन स्पेसिंग दे देते हैं, लाइन स्पेसिंग 1.5 की रख लेते हैं, और इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। जस्टिफाई करने के बाद यहाँ पर एक बार टैब की प्रेस करते हैं जिससे कि हमारी ये मैटर कुछ इस प्रकार से बन जाता है, और ये सब करने के बाद हमें बैंक के पास नीचे आना है यहाँ पर, ओके फिर से नीचे आना, इसकी जो अलाइन है आप देख सकते हैं, फिर से लेफ्ट वाले अलाइन को सिलेक्शन करना है, और हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि सैलरी अब हमें यहाँ पर इनकी सैलरी फिल करनी है यानी कितने महीने की हमें सैलरी यहाँ पर दर्शाना है 6 महीने की, तो 6 महीने सैलरी दर्शाने के लिए हम एक टेबल को क्रिएट कर लेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना है हमको यहाँ पर है, अब देखेंगे इंसर्ट टाइप के अंदर करते ही हमें टेबल की ऑप्शन मिल जाती है, और यहाँ से हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। टेबल बनने के बाद फर्स्ट वाले हम कॉलम में सिंपल लिख देंगे मंथ, फिर लिखते हैं ग्रॉस सैलरी, फिर से आप लिख देंगे EPF डिडक्शन, टैब की प्रेस करके, और यहाँ पर हम जैसे लिख देते ESI डिडक्शन, टैब की प्रेस करके फिर यहाँ लिख देंगे नेट सैलरी पैड, ओके डाउन करते हैं, और डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो स्पेसिंग है हम कुछ सिलेक्शन करके इसके अंदर की स्पेसिंग को भी कम कर लेते हैं, ओके अब यहाँ पर हम ग्रॉस सैलरी की ऑप्शन थोड़ी सी छोटा कर देते हैं, और डिडक्शन की भी ESI की भी और नेट पैड सैलरी को भी तो रहने देते हैं, चलिए इसे भी थोड़ी सी छोटा कर लेते हैं। अब मंथ में हमें मंथ टाइप करना है कि इस मंथ की हम सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे मैं जनवरी में 2023 से सैलरी को बना रहा हूँ, तो इन्हें जनवरी में 16,000 रुपये सैलरी दी गई है, तो हम 16,000 टाइप करेंगे, EPF डिडक्शन नहीं हुआ है, ईएसआई भी नहीं कटी है, और तो हम यहाँ पर सैलरी पैड में कर देते हैं। फिर आप देखिए फरवरी में कितनी सैलरी दी गई है, तो मान लीजिए फरवरी में भी इन्हें 16,000 दी गई है, ये सभी को हम सेम रहने देंगे, और फिर से आ जाता है मार्च में इन्हें सैलरी दी गई है 18,000, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,000 टाइप कर लेते हैं, अप्रैल 2023 और मार्च 2023 इसमें भी इन्हें 18,000 सैलरी दी गई है, और हम यहाँ पर 18,000 फिल कर लेते हैं। इसी तरह मई 2023 के साथ में आप देखेंगे जून 2023 में भी कॉपी करके यहाँ सभी में फिल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सैलरी डिजाइन किया है, सिंपल सिलेक्शन करेंगे ऊपर वाले को, सिलेक्शन करने के बाद हम इसे बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड करने के बाद इसमें कलर फिल कर लेंगे जिससे कि थोड़ी सी अच्छा लगे, यहाँ से एक्साइटिंग कलर को हम सिलेक्शन कर लेते हैं। इस प्रकार से हम सैलरी की डिटेल को टाइप कर लेते हैं, इस टाइप करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर दो बार क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं जैसे कि हम लिखते हैं डेट और पैलेस, तो मैं सिंपल यहाँ पर डेट टाइप करता हूँ, डेट के बाद एंटर की प्रेस करके मैं पैलेस लिख देता हूँ, और पहले इसमें हम डालते हैं न्यू दिल्ली,
और डेट के बाद यहाँ टाइप की प्रेस करके रखेंगे और टाइप की प्रेस करके आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आ जाए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑथोराइज सिग्नेचरी। तो जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ ओके, ये ऑथोराइज सिग्नेचरी हो गया हमारा। अब इसको भी हम सिलेक्शन करके इसके बीच की स्पेसिंग को कम कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसको हम यहाँ से कट करके इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसे हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से सैलरी सर्टिफिकेट को डिजाइन कर लिया है। जो सैलरी सर्टिफिकेट है आप इसे इजीली देख सकते हैं और आप अच्छी तरीके से और डिजाइन कर लेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर इस सैलरी सर्टिफिकेट के अंदर किसी प्रकार की एरर हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो आप उसे खुद से सही कर सकते हैं। फिलहाल सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये हमारी एक डेमो था और एग्जाम्पल था। तो जिस प्रकार से हमने सर्टिफिकेट को डिजाइन किया है इसी तरह आप सर्टिफिकेट डिजाइन करेंगे। अब चलिए हम जान लेते हैं कि सर्टिफिकेट को हम फॉर्मेट जो इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आपको ओपन करना है किसी भी एक ब्राउजर को और गूगल में सर्च कर देना है www.a1computereducationcenter.com। गूगल में जैसे इस साइट को आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको हमारी a1computer.com की वेबसाइट नजर आ जाएगी। यहाँ पर होम की बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करते ही आप हमारे और यहाँ पर होम पर आपको क्लिक करना है। होम टैब पर क्लिक करने के बाद आप इसे स्क्रॉल करके डाउन की तरफ आएंगे। जैसे डाउन की तरफ आएंगे तो होम पेज पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे तरफ से कई प्रकार की जानकारियाँ शेयर की गई हैं जिसे आप पढ़कर अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकती हैं। सैलरी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू आर्टिकल हमारे सामने ओपन होता है और यहाँ पर आप इसे स्क्रॉल करके आएंगे। इसमें पूरे अच्छी तरीके से बताया गया है कि सैलरी सर्टिफिकेट क्या है और इसको कैसे क्रिएट करते हैं। क्लिक हियर टू डाउनलोड सैलरी सर्टिफिकेट की जो ऑप्शन है सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारी सैलरी स्लिप जो है डाउनलोड हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी स्लिप डाउनलोड हो चुकी है। पहले से हमारे पास जो सैलरी स्लिप ओपन है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे सैलरी सर्टिफिकेट पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा ओपन हो रहा है वर्ड में ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देखिए सैलरी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी और इसमें आप सिंपल से आप एडिट करके अपना वर्क कर सकती हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो।